देखो, इसमें रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स एट इंटरफेस ऑफ टू मीडिया का टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको क्या बताया जाएगा कि एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग और दो इंटरफेस है। दो इंटरफेस से मेरा मतलब है कि ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। मीडियम वन है, मीडियम टू है, ठीक। लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ, दिस इज मीडियम वन एंड दिस इज मीडियम। हम एक कॉमन रिजल्ट निकालेंगे, एक रिजल्ट निकालेंगे जनरलाइज रिजल्ट स्ट्रिंग के लिए, पर ये हर वेव के लिए ये वैलिड है, ट्रांसवर्स वेव के लिए, लाइट के लिए भी सेम रिजल्ट वैलिड है। तो हम क्या करेंगे कि हम स्ट्रिंग के साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर मान लो एक स्ट्रिंग है और दो मीडियम्स है। अब दो मीडियम का मतलब क्या हो सकता है? पहला, ये एयर है, ये वाटर है, ठीक, मीडियम चेंज हो गया। दूसरा, स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग यहां से पतली है, पतली है, पर यहां पर अलग मटेरियल लगा के स्ट्रिंग को मोटा कर दिया, मीडियम चेंज हो गया, ठीक है। कि मतलब ये मीडियम रेरर मानेंगे और ये डेंसर मान देंगे। नहीं तो ऐसे समझ लो कि ये ये एयर है और ये वाटर है, तो स्ट्रिंग एयर और वाटर के अंदर वेव पल जाएगी तो क्या होगा, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो दो मीडियम में एक वेव को पास करें तो रूल ये है कि जो इंसिडेंट, एक वेव इंसिडेंट है, जो एक्चुअल वेव है, इसमें से कुछ वेव का पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा। तो तीन वेव्स हैं, ये इंसिडेंट है, एम्पलीट्यूड इंसिडेंट का ए आई है, ये रिफ्लेक्टेड है जो वापस आ गई ए आर, और ये ट्रांसमिटेड है ए टी। तीनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, तीनों की वेलोसिटीज डिफरेंट है, राधा तीनों की नहीं, इनकी वेलोसिटी सेम होगी बिकॉज मीडियम सेम है। तो के की जगह हमने के वन, के वन यूज किया, पर यहां पर हमने के टू यूज किया, क्यों? क्योंकि यहां पर मीडियम डिफरेंट है, वेलोसिटी डिफरेंट, k ओमेगा बाय v होता है, ठीक है यहां तक? तीन इक्वेशंस। अब वो कह रहा है v1 v2 स्पीड्स इन टू डिफरेंट मीडिया है। बाउंड्री कंडीशन वो है कि जब एक वेव आती है, ये बाउंड्री है, इसके बाद ही वेव वापस भी आएगी और आगे भी जाएगी, यहां तक तो इंसिडेंट वेव ही आ रही है। तो बाउंड्री कंडीशन अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन ये बताया जाता है कि लेफ्ट की तरफ ये वाई ऑफ आई है, ये वाई ऑफ आर है, ये ना? इसकी सुपरपोजिशन की, और दिस मस्ट बी इक्वल टू वाई ऑफ टी, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन में जो पार्टिकल होगा वो ए के डिस्प्लेसमेंट फॉलो करेगा, अगर वो नोड है तो नोड रहेगा, अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होगा कि यहां से जो रिजल्टेंट आएगा और यहां का जो रिजल्टेंट आएगा वो एग्जैक्टली सेम आंसर दे, तो वाई की वैल्यू दोनों की तरफ से क्या होनी चाहिए, मीडियम वन और मीडियम टू से सेम होनी चाहिए। तो इसलिए इन दोनों को तो सुपर पोजिशन से ऐड कर दिया और मस्ट बी इक्वल टू वाई ऑफ, ये बाउंड्री कंडीशन है x इक्वल टू जीरो पे। एक मीडियम की जो वेव्स है वो सुपरपोजिशन से जो रिजल्ट देंगी, मान लो इनकी सुपरपोजिशन ये बोलती है कि यहां पर x की वैल्यू जीरो आ जाए और y की वैल्यू जीरो आ जाती है, मान लो एक मिनट के लिए कुछ भी आंसर आता है, तो यहां का रिजल्ट भी सेम ही आंसर देना ना इस पार्टिकल पे, वो अलग कैसे दे सकते हैं? पार्टिकल कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि इनकी, इनके हिसाब से रिजल्ट कुछ और है, इसके हिसाब से रिजल्ट कुछ और है, पार्टिकल तो एक ही है ना, तो दोनों का रिजल्ट एक मीडियम का और दूसरे मीडियम का सेम होना चाहिए, मीडियम मीडियम का रिजल्ट सेम होना चाहिए। मीडियम वन के जो रिजल्ट हैं, मीडियम टू के जो रिजल्ट हैं, उनकी वाई की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए फॉर बाउंड्री पार्टिकल। ये कह रहा है वेक्टर्स बनने चाहिए, हाँ वेक्टर्स बनने चाहिए, फिर वेक्टर लगाना है, वेक्टर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर एनी इंस्टेंट है वाई की वैल्यू। तो अगर मान लो यहाँ पर ये इंसिडेंट वेव और जो रिफ्लेक्टेड वेव है, क्योंकि जो बाउंड्री का पार्टिकल होगा ना, जैसे ये एक वेव है और ये दो मीडियम है, बाउंड्री का पार्टिकल की तो एक ही पोजिशन होगी ना, जो भी होगी वो इनका रिजल्टेंट और इनका रिजल्टेंट सेम आंसर देने चाहिए, ये बाउंड्री कंडीशन होती है इसमें। चलो एनी केस, ये बाउंड्री कंडीशन है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये वैल्यू आएगी, तो y i की वैल्यू मुझे पता है, y r पता है, y t पता है, इन सारी वैल्यूज को पुट करके ये आंसर आएगा, सॉल्व करके ये आंसर आएगा, cos 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 कैंसिल, यहां से k क्या होता है, ओमेगा बाय v, ओमेगा बाय v, ओमेगा बाय v, वेलोसिटी k1 k1 में v1 v1, k2 में v2, ओमेगा 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 कैंसिल। याद रखना एक रिजल्ट बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमेशा आता है,
जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कौन सी ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होती? फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन आएगा फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होती? इसका आंसर है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स पे डिपेंड करती है, जिसने जनरेट किया वो मीडियम ने चेंज नहीं कर सकती, वो मीडियम चेंज नहीं करेगी, तो ओमेगा की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो कट गया, ये रिजल्ट आ गया। और मुझे पता है कि बाउंड्री के ऊपर ए आई और ए आर सेम, ये देखो ए आई और ए आर इज इक्वल टू वाई टी, इन सारी वैल्यूज को आप जब यहां पर पुट करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब आप एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो बाउंड्री कंडीशन है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। इन वाई आई को यहां पुट करेंगे, वाई आर को यहां पुट करेंगे, वाई टी को यहां पुट करेंगे, तो रिजल्ट देखो ये नहीं आएगा, साइन 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 कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व किया जाए तो ये आंसर आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आएगा उस पर नहीं आएगा, वो कोई नहीं पूछेगा आपसे। क्वेश्चन ये आएगा कि अगर मान लो आपके पास इंसिडेंट वेव है जिसका एम्पलीट्यूड ए आई है, दो मीडियम्स की वेलोसिटीज आपको मालूम है वी वन वी टू, वो देगा आपको, कहेगा ये बताओ कि जो ट्रांसमिटेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये होगा। जो रिफ्लेक्ट हो गए वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस पे आएगा, वो कहेगा अगर वी टू लेस देन वी वन है, ठीक, मान लो वी टू लेस देन वी वन का मतलब कि यहां पर वेलोसिटी कितनी थी, वी वन थी, यहां वेलोसिटी कितनी है, वी टू है, और वी टू लेस देन वी वन का मतलब वेलोसिटी स्लो हो गई, इसका मतलब वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, डेंसर में स्पीड स्लो हो जाती है, तो ऐसे केस में ये टर्म क्या आएगी, नेगेटिव, और ये तो नेगेटिव हो नहीं सकती, हमेशा पॉजिटिव है। तो यानी कि उस केस में रिफ्लेक्टेड वेव नेगेटिव का मतलब है, ए आर नेगेटिव का मतलब है गया तो क्रेस्ट था, वापस क्या आया, ट्रफ आएगा। तो अगर वी वन की वैल्यू, वी टू की वैल्यू लेस देन वी वन है तो क्रेस्ट जाएगा, ट्रफ आएगा, लेकिन ये क्रेस्ट ही रहेगा ट्रांसमिटेड, क्यों, क्योंकि ये तो हर हालत में क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ये हर हालत में पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन का मतलब है कि क्रेस्ट का क्रेस्ट ही जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब जैसे सेकेंड केस अगर हम बनाए, इसका उल्टा केस है, इफ इफ वी ऑफ टू इज ग्रेटर देन वी ऑफ वन, उल्टा, तो ये टर्म क्या जाएगी, पॉजिटिव, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो उस केस में अगर वी टू ग्रेटर देन वी वन, यानी कि स्पीड बढ़ जाती है दूसरे मीडियम में, यानी कि रेयरर मीडियम आ जाता है, डेंसर टू रेयरर, उस केस में अगर रिफ्लेक्शन होती है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये टर्म अब पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आने का मतलब है क्रेस्ट क्रेस्ट बन के जाएगा और ट्रफ, तो वो तो सॉरी जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो तो क्रेस्ट आ जाएगी, और जो ट्रांसमिटेड वेव है वो तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो वो क्रेस्ट ही वापस जाएगी। तो यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती है वेव, तो ट्रांसमिशन में तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्रेस्ट का क्रेस्ट ही जाता है दोनों केस में, लेकिन उसमें चक्कर है कि अगर मान लो रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं तो वेव जाएगी और 180 फेज चेंज करके वापस आएगी, लेकिन अगर डेंसर टू रेयर जा रहे हैं तो फिर जो मीडियम का जो रिफ्लेक्टेड वेव आएगी वो क्रेस्ट का क्रेस्ट आएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या किस टाइप का क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, ठीक। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, प्रूफ तो चलो जो है वो तो है ही है, प्रूफ तो करने की जरूरत नहीं है इसकी, बस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है मेरे। ये आखिरी थ्योरी का टॉपिक था जो हमारा पेंडिंग था, ठीक। तो इसमें असाइनमेंट नंबर 128, 29 और 30, इन तीनों को सॉल्व करके मैं physicsconcepts.in जो वेबसाइट है
इसके नोटिस बोर्ड पे डालने वाला हूँ सॉल्यूशंस, आप प्रैक्टिस करो, और फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स डॉट इन जो बुकलेट के पीछे भी लिखा हुआ है, तो उसके नोटिस बोर्ड पे जाके इसके सॉल्यूशंस को एक बार स्टडी करो, और अगर जो नहीं समझ में आएगा उसको एज अ डाउट्स आप ले सकते हो, तो वेबसाइट पे डाल रहा हूँ मैं, आप उसके सॉल्यूशंस वहीं पर एक बार देखना। ठीक, तो ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं अपने कोर्स को। तो ठीक है, बहुत बढ़िया।